Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are well. This is your science period. Please take out your Modern Science and Technology book, part 6. Now, please open page number 5. Page number 5 Scientist Zone. ंग टू टॉक अबाउट दिस साइंटिस्ट ओके जिनकी आपको पिक्चर दिख रही है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंडिया में जो एक तो हिंदी में वर्ड है हरित क्रांति यानी जिसमें आप प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ठीक है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही इंट्रोड्यूस्ड एंड फर्दर डेवलप्ड हाई ईल्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट इन इंडिया और इन्होंने आगे जाके इंट्रोड्यूस किया था किसे हाई ईल्डिंग वेराइटी ऑफ वीट यानी उस वीट के वीट क्या होता है गेहूं ऐसा गेहूं जो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों में बहुत अच्छा था ऐसे वीट को इन्होंने हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था फूड फ्रॉम एनिमल्स अब हम बात कर रहे हैं फूड जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं एनिमल सोर्स फूड्स इंक्लूड मैनी फूड आइटम दैट कम्स फ्रॉम एन आई मीन एनिमल सोर्स सच एज मीट मिल्क एग्स चीज एन यूघ यानी एनिमल का जो सोर्स है ठीक है वहाँ से जो हमें फूड मिलता है वो सब होता है आपके जैसे मिल्क हो गया योगट हो गया एग हो गया चीज हो गया ये सब आपको एनिमल से मिलते हैं मीट मीट कंसिस्ट मेनली ऑफ फ्लैश ऑफ एन एनिमल्स बॉडी मीट किससे बनाता है एनिमल की बॉडी के फ्लैश से The word meat most commonly mean meat of a cattle or a sheep. और mostly जो meat हम word use करते हैं वो cattle के लिए या फिर sheep के flesh के लिए करते हैं However, the flesh of fish and poultry is also considered meat. लेकिन जो fish और poultry यानी chicken होता है हमारा है ना वो भी हम एक तरह से meat ही मानते हैं Fish, नेक्स्ट सोर्सेज फिश ग्रेवरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इज नोन एज पिसिकल्चर यानी मछलियों को पालना और उनको बढ़ाना ठीक है उनका रिप्रोड्यूशन रिप्रोडक्शन कराना एक तरह से एक से दो से चार रिप्रोड्यूस कराने चार से एट रिप्रोड्यूस कराने इस तरह से जो हम मछलियों को पालते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं उनके नंबर्स बढ़ाते हैं इसी को हम बोलते हैं पिसिकल्चर

थ्री साइड से हम किस से कवर हैं? वाटर से तो जो वाटर है वाटर में क्या होती है हमारी फिशेज होती हैं, है ना तो ये सी और ओशन से यहाँ पे वहाँ पे हमें बहुत सारी फिश मिलती है तो इंडिया में फिश का बहुत अच्छा क्या होता है व्यापार होता है फिश इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है ठीक है बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स ठीक है नाउ फिश एंड अदर एक आर कल्चर्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इन लार्ज वाटर रिजर्वा और अब इनको बढ़ाने के लिए इनको पालने के लिए हमने बहुत बड़े बड़े वाटर रिजर्वर्स रखे हैं जहाँ पे इनको हम पालते हैं इनकी ब्रीडिंग करते हैं इनको बढ़ाते हैं ओके नेक्स्ट इज पोल्ट्री डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स रेअर्ड फॉर मीट और एग्स आर नोन एज पोल्ट्री यानी जो डोमेस्टिक एनिम बर्ड्स होती हैं हमारी जिनको हम घर में पाल सकते हैं उनको हम क्यों पालते हैं ताकि हम उनके एग्स खा सकें ठीक है उनकी मीट खा सकें तो जो हम ऐसे पालते हैं तो इनको हम बोलते हैं पोल्ट्री जैसे आपकी हैन होती है, है ना हैन खा रहती हैं पोल्ट्री में रहती हैं जहाँ पे हम इनको रखते हैं और इनमें से एग निकालते हैं या फिर इनके मीट को हम लोग कंज्यूम करते हैं टू मोस्ट पीपल पोल्ट्री मीन्स चिकन डग गीस और एंड टर्कीज और ज़्यादातर तो लोगों के लिए पोल्ट्री मीन्स होता है चिकन या फिर डग या गीज और टर्की ये सब क्या है बर्ड्स हैं बट सम अदर बर्ड्स कैन ऑल्सो बी कैप्ट एज पोल्ट्री लेकिन हम और बर्ड्स को भी पोल्ट्री में रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ऑस्ट्रेच होती है जिसका एग बहुत बड़ा होता है है ना उसको भी रख सकते हैं हम चिकन आउट नंबर्स अदर काइंड ऑफ पोल्ट्री और लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में देखो या फिर दूसरी कंट्रीज़ में देखो वहाँ पर चिकन ज़्यादा होती हैं पोल्ट्री में दे आर प्रोबेबली मोर चिकन दीपल एंड इनफ एग्स और माना जाता है कि जो चिकन है वो पूरी दुनिया में जितने पीपल है जितने लोग हैं उनसे ज्यादा है और इसी वजह से हमारे पास इनफ एग्स भी होते हैं नाउ ऑफ फैक्ट जोन अब हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे देंस स्टार्ट लिइंग एग्स एट द एज ऑफ सिक्स मंथ जो हेंस होती हैं जब सिक्स मंथ की होती है तब से अंडे देना शुरू कर देती हैं दे सेट ऑन टू प्रोवाइड द नेसेसरी फॉर हैचिंग और फिर वो उसमें बैठती हैं जो एग होता है उसके ऊपर बैठती हैं ताकि उसको गर्मी दे सके जो कि बहुत जरूरी होती है हैचिंग के लिए यानी अंडे के फूटने के लिए उसमें से बेबी के निकलने के लिए इन पोल्ट्री फार्म्स इनक्यूबेटर्स आर समटाइम्स यूज टू हैच द एग्स लेकिन पोल्ट्री में क्या होता है कभी कभार वहां इंक्यूबेटर्स रखते हैं जिससे गर्मी आती है और इस वजह से एग हैं। इट एडवांटेजेस ओवर नेचुरल हैचिंग और इसके कुछ एडवांटेज हैं यानी क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं कि वो जल्दी हैच हो जाते होंगे क्योंकि आपके वॉर्म बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा इंक्यूबेटर देता है हेन्द की बॉडी के टेम्परेचर जितना होगा वो एज़ कम्पेयर टू इंक्यूबेटर कम होगा तो जब उसको इंक्यूबेटर से अच्छे बॉम्ब मिलेगी तो वो जल्दी से हैच भी करेंगे द एग्स कैन बी हैश थ्रू आउट द ईयर्स जो एग होते हैं वो थ्रू आउट ईयर हैच करते हैं उसमें से न्यू बेबी निकलता है लार्ज नंबर ऑफ एग्स कैन बी हैश साइमल्टेनियसली और जो एग्स होते हैं वो एक के बाद एक के बाद के के, के करके हैच होते हैं चिक्स प्रोड्यूस्ड आर फ्री फ्रॉम डिजीज जो चिक्स होती हैं वो डिजीज से फ्री होती हैं ओके सो नाउ लेट्स मोक टू दैक्स्ट स्पीच मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काउसलोस एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमन कैटल फाउंड इन टाउंस एंड इंडिया का मोस्ट कॉमन कैटल हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं कैटल्स आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैटल कौन होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जो ग्रास खाते हैं दे आर कैप्ट इन हर्ड इन्हें किसमें रखते हैं हर्ड में यानी झुंड में रखते हैं समटाइम्स दे लिव ऑन फार्म कभी कभार ये फार्म्स में रहते हैं

किस में होता है जो कि फ्लावर में यानी जो आपका फ्लावर होता है उसमें एक शुगरी सबसांस होता है जिसे बोलते हैं हम नेक्टर ओके दे प्रोड्यूस हनी फ्रॉम नेक्टर और उसी नेक्टर्स के थ्रू वो क्या बनाती है अपना हनी बनाती है जो हम कंज्यूम करते हैं खाते हैं ना हम नहीं हनी खाते हैं ना हम सब हम्म बीज लिव टूगैदर इन लार्ज नंबर बीस एक साथ बहुत बड़े नंबर में रहती हैं स्ट आर कॉल्ड हाइव्स और उनके नेस्ट को हम बोलते हैं हाइव्स क्या बोलते हैं हाइव्स बी हाइव्स देर हाइव्स इन ट्रीज और ये अपने हाइव्स कहा बनाते हैं ट्री में बनाते हैं ओके सो दीज आर समीमल प्रोडक्ट्स यानी एनिमल प्रोडक्ट्स हमें कहाँ कहां से मिलते हैं हनी से मिलते हैं कैफे से मिलते हैं पोल्ट्री से मिलते हैं फिश रेयरिंग से मिलते हैं है ना तो आज हमने इस बारे में पढ़ा है सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू डू दिस होमवर्क दिस इज योर एक्सरसाइज इट्स क्वाइट ईजी फॉर एग्जाम्पल नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेज आर नोन एज वेरी गुड कैफिनिशियस ड्रिंक टू एग्जाम्पल ऑफ मिलट आर Very good sorghum and Pajra. गैट कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डैश ऑफ प्लांट किससे मिलता है हमें कुकिंग ऑयल सीड से सीड ऑफ प्लांट वी गैट हनी फ्रॉम हनी कहा से मिलता है हमें बीहेव सेक्स्ट इज स्टेट वेद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एट कंटेन्स सीड फ्रूट वो पार्ट है प्लांट का जिससे हमें सीड मिलता है फ्रूट के अंदर सीड होता है यस इट्स ट्रू नेक्स्ट स्पाइसेस आर यूज टू फ्लेवर फूड स्पाइसेस इसलिए डालते हैं ताकि फ्लेवर आए फूड में यस इट्स ट्रू कॉरेंडर इज अ पल्स कॉरेंडर एक पल्स है नो no. फॉल्स कॉरिंडल क्या है एज अ स्पाइस यूज करते हैं या फिर हम इसे गार्निश के लिए यूज करते हैं ओके सो इट्स इधर स्पाइस और कॉन्डिमेंट सफोला इज अ ब्रांड नेम ऑफ अ स्पाइस सफोला एक ब्रांड नेम है स्पाइस का सफोला की स्पाइस मिलते हैं नो सफोला की क्या मिलते हैं हमें ऑयल सो इट्स ऑल्सो फॉल्स नाउ दैट आई हैव टोल्ड Each and everything here. So, your homework now is you have to do this and this. These two exercises in your notebook. You have to do it very neatly. Okay? So, class, I hope you understand what we have read today. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.